मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. जब हम लोग यहाँ से मास्टर्स या कोई भी डिग्री लेकर निकलते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमारा मास्टर्स या ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगा हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी. मैं अपना MBA के बाद कुछ प्राइवेट फर्म्स में जॉब करती रही, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी. आप लोगों को भी मार्केट का आइडिया होगा कि जब हम लोग निकलते हैं तो हमें 10,000, 20,000 मैक्सिमम 25,000 की जॉब ऑफर होती है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा काम होता है. और मोस्टली ये होता है कि हमें हमारी ड्रीम जॉब नहीं मिलती, हमारी फील्ड से रिलेवेंट नहीं होती. मैं भी कुछ ऐसा जॉब करती रही तो मैं सेटिस्फाई नहीं थी. उसके बाद लकीली मेरा एडमिशन जो है इधर इस कोर्स में हो गया. जब मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे फ्रीलांसिंग का कोई आइडिया नहीं था. इवन मुझे इसके मीनिंग का भी नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. इसके किसी प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं आइडिया था. डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है फाइवर, PPH, किसी का नेम भी नहीं जानती थी मैं. जब मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन्होंने ट्रेन किया. ना सिर्फ हम लोगों को स्किल्स दी गई बल्कि ये भी सिखाया गया कि हम लोगों ने फॉरेन क्लाइंट्स जो हमारे हैं उनसे किस तरह से ऑर्डर लेना है और किस तरह से हमने काम करना है. आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं बताती चलूँ, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो $5 का था. उसमें मैंने एक लाख का उनका जस्ट एक स्लोगन लिख के देना था उनको. उसके बाद मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करती रही हूँ. अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो $200 का है. और अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं मोर देन 13 प्रोजेक्ट्स में हम कम्प्लीट कर चुकी हूँ. और इसमें अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग है. और इवन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे किसी भी जॉब में अप्लाई करने की मजीद ज़रूरत नहीं है. मैं इस वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ. और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बजाय इसके कि आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब्स की तलाश में इधर उधर धक्के खाते फिरें, आप लोग इस कोर्स में इनरोल हों, अपनी स्किल्स को इनहेंस करें. और बजाय इसके कि आप लोग जॉब्स ढूंढें, आप दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करें.